Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आज जिस खास मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, वो खास मुद्दा जुड़ा हुआ है कर्नाटक विधानसभा चुनाव से और कांग्रेस के नए नवेली अध्यक्ष राहुल गांधी और वहां की सरकार पर। कहते हैं कि राहुल गांधी सियासत में उतरे तो, लेकिन सियासत का जो हुनर था वो कभी वो सीख नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को राजनीति में ढाला है, और क्योंकि कहते हैं कि अगर बच्चे का भविष्य किस तरफ जाता है वो पालने में ही दिख जाता है, लेकिन राहुल गांधी को सियासत बहुत कम रास आई, और जब रास आई तो बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने अपने आप को, भले ही सोनिया गांधी ने अपने बेटे को, क्योंकि कांग्रेस की विरासत को बचाने के लिए राहुल गांधी को राजनीति में तो भेज दिया, लेकिन राहुल गांधी ने राजनीति को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया, और वो गलतियों के शिकार होते हुए विपक्षी पार्टी के जमकर हंसी के पात्र बने। लेकिन राहुल गांधी ने अपने वक्त के साथ साथ अपने आप को संभाला, और राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव में दिखा दिया कि हाँ, मैं भी उस माई का बेटा हूँ जिसने दुनिया में, या यूँ कहें कि भारत में, बहुत अच्छी तरीके से राज किया है। मैं उस नानी का पोता, मैं उस दादी का पोता हूँ जिसने भारत की सियासत को चलाया है। इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी, राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने आप को संभाला, अपनी राजनीतिक विरासत को, यूँ कहें कि कांग्रेस पार्टी को, बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, और अब वो उड़ान भरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस मौका मिलना जरूरी है, और मौका जैसे ही मिलेगा राहुल गांधी उड़ान भरना शुरू कर देंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि राहुल गांधी ने जिस जोरों शोरों से गुजरात चुनाव में अपनी जो एक चेहरा नया बनाया है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि उपाध्यक्ष थे राहुल गांधी जिस समय गुजरात चुनाव में, जिस तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे उस दौरान राहुल गांधी उपाध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष बनने के होने के साथ साथ वहीं वो अध्यक्ष भी चुने गए, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से गुजरात में परफॉर्मेंस की, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को एक नए नजरिए में जनता के बीच लाए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को और उनकी माता श्री को यकीन हो गया कि अब मेरा बेटा इस राजनीतिक पार्टी को अच्छी तरीके से संभालेगा। और वही चीज राहुल गांधी अब कर्नाटक चुनाव में गलती नहीं करना चाहते। सिद्धारमैया ने बयान दे करके बीजेपी को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया, एक मुद्दा दे दिया है कि अब बीजेपी उन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से भुनाएगी, लेकिन राहुल गांधी अब मौका नहीं देना चाहते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने, उनके नेताओं ने जिस तरीके से गुजरात में एक छोटी छोटे मुद्दों पर मौका दिया था, और वही मौका कर्नाटक में सिद्धारमैया ने भी दे दिया है बीजेपी को, अब बीजेपी गरम हथौड़ा मारने वाली है, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि आने वाले चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी जमकर सिद्धारमैया के हिंदू वाले बयानों पर जम करके राजनीति करेगी, और जनता के बीच एक संदेश भेजेगी कि ये सरकार नाकाम रही है जिस तरीके से जनता के बीच, अब परिवर्तन जरूरी है। हम दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर क्या गलतियां हैं जो राहुल गांधी को कर्नाटक हरा सकती है। कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी का भविष्य दांव पर है। अभी तक राहुल ने नेतृत्व में कांग्रेस ने कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन कुछ एक राज्यों को छोड़कर कांग्रेस हर जगह हारी है, ये अलग बात है।
कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हार की जिम्मेदारी कभी भी राहुल पर नहीं डालते। राहुल के साथ गांधी सरनेम एक ढाल की तरह चलता है। गांधी परिवार की वफादारी निभाने के लिए कांग्रेस नेता खुद की बलि देने को भी तैयार रहते हैं। खास बात यह है कि हार की जिम्मेदारी लेने पर कांग्रेस में नेताओं का प्रमोशन होता है। अध्यक्ष बनने के बाद राहुल दो हार का मुंह देख चुके हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब राहुल के सामने कर्नाटक का किला बचाने की चुनौती है। कर्नाटक में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। इसी साल वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनके लिए कांग्रेस ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। गुजरात में इस बार कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। राहुल कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि वो गुजरात से सबक ले लें, कर्नाटक में काम करें, यानी गुजरात में जिस तरह से बीजेपी की चुनौती दी थी उसी तरह से कर्नाटक में भी करें। लेकिन राहुल यहां पर ये बताना भूल जाते हैं कि गुजरात में पूरी ताकत लगाने के बाद तीन युवा नेताओं का साथ लेने के बाद भी बीजेपी की सत्ता हिला नहीं पाई। क्या कर्नाटक में भी यही होने वाला है? राहुल गांधी चाहते हैं कि गुजरात की ही तरह कर्नाटक में जनता से पूछकर जनता का घोषणा पत्र बनाया जाए। इससे राजनीति में जनता की भागीदारी बढ़ेगी, साथ ही कांग्रेस जनता से जुड़ने में भी सफल होगी। इसके लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की टीम को उतार दिया है। सवाल ये है कि कांग्रेस का ये अभियान कितना सफल होगा। इसका कारण ये है कि राहुल भले ही कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन कांग्रेस की जो आदत बन चुकी है वो उससे बाज नहीं आने वाले हैं। वो अक्सर गलतियां कर देती हैं। ऐसे ही किसी गलती का इंतजार बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने पहले से ही दांव चल दिया है। हिंदुत्व के मोर्चे पर बीजेपी आक्रामक हो गई, कांग्रेस पर हमला कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बीजेपी की इस चाल में फंसते जा रहे हैं। सिद्धारमैया जिस तरह से बीजेपी की चाल में फंसकर वो कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है, उससे राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फिरना तय माना जाता है। इसके अलावा जिस तरह से कांग्रेस के लिए राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं, मगर उनकी मौजूदगी भरोसा नहीं पैदा करती, उससे भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के पास पीएम मोदी के रूप में एक ऐसा नेता है जिसकी बात को लोग सुनते हैं और मानते भी हैं, जो विरोधियों के हमलों को ही हथियार बनाने में माहिर है। अब राहुल गांधी गुजरात से सबक लेने की बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के पास कर्नाटक में ना तो हार्दिक पटेल है, ना ही जिग्नेश मेवानी है और ना ही अल्पेश ठाकुर है, जिनके दम पर गुजरात में बीजेपी के सामने चुनौती पेश की जा सकती है। गुजरात में कांग्रेस के प्रदर्शन के पीछे इन तीनों का बहुत योगदान था। अकेले राहुल के बस का नहीं था कि वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाते। जिस तरीके से आपने देखा कि इस रिपोर्ट के जरिए एक एक बात सच्ची है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक पार्टी को एक नए नजरिए में उतारा है, अब उनके नेता उनके खेमे में कुछ ऐसे काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो राजनीतिक पार्टी को, अपनी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बना देंगे। सिद्धारमैया ने जो आरएसएस और बीजेपी के लिए बयान दिया है वो मुद्दा बीजेपी के लिए बहुत अहम साबित हो रहा है, क्योंकि गुजरात चुनाव में देखा था कि मणिशंकर अय्यर ने जिस तरीके से बयान दिया और राहुल गांधी के हिंदुत्व के को लेकर मंदिर जाना, ये छोटे छोटे जो मुद्दे थे उस पर राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की जमकर बीजेपी ने खिंचाई की जनता के बीच। और अब यही चीज राहुल गांधी ने सबक सीखा और पार्टी के नेताओं को सबक दिया कि जो राजनीतिक पार्टी ने गलतियां हमारे गुजरात चुनाव में की हैं वो गलतियां कर्नाटक में नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ें कर्नाटक में होती हैं तो तय हो जाता है कि राहुल गांधी का जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव है वो जरूर हारेंगे। लेकिन कर्नाटक चुनाव का अगर बात की जाए तो बीजेपी जमकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है और वो छोटे छोटे मुद्दों को कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुद्दा बनाएगी, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस की जमकर फजीहत करेगी। और अगर ये फजीहत जमकर हुई तो राहुल गांधी का कर्नाटक में हारना या कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में हारना तय हो जाएगा, क्योंकि बात फिर वही आ जाती है कि आपने राहुल गांधी ने को अगर यकीन हो कि गुजरात चुनाव में उन्होंने अगर 88 भले ही गुजरात चुनाव जीत नहीं पाए होंगे लेकिन 88 सीट पर जिस तरीके से सिमटे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाती थी उनकी, लेकिन वो ये भी यकीन करेंगे कि जो तीन बैसाखियां उन्होंने यूज की थी, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी
और हार्दिक पटेल को उन्होंने यूज किया था जमकर गुजरात चुनाव में, और यही तीन जो बैसाखियां हैं वो कर्नाटक में नहीं है, तो उनको सबसे बड़ी चुनौती है कि कर्नाटक में उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वो अपनी सत्ता को बचा ले। लेकिन वो तीन जो बैसाखियां हैं वो शायद साथ नहीं देंगी कर्नाटक चुनाव में, लेकिन कांग्रेस पूरी प्रयास करेगी कि उन तीनों हस्तियों को कर्नाटक चुनाव में किसी तरीके से यूज किया जाए। लेकिन बीजेपी भी कम नहीं है, उसने भी अपने धुरंधरों को कर्नाटक चुनाव में उतार दिया है और अब शुरू हो जाएगी राजनीति का घमासान, या यूँ कहें कि कर्नाटक के इलेक्शन को लेकर के जमकर घमासान होने वाला है। और अब इस तरीके से देखने को यही मिल रहा है कि आने वाले दिनों में क्या वास्तव में राहुल गांधी कर्नाटक हार जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। चुनाव होने के बाद कर्नाटक का जो ख्वाब है सत्ता का, वो किस पार्टी के करीब आता है, किस पार्टी इस चीज़ को भुना ले जाती है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप नंबर नीचे आप स्क्रीन पट्टी पर देख सकते हैं कि हमारा ईमेल आईडी, हमारे चैनल की ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, और उसके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उसके जरिए आप हमें न्यूज भी भेज सकते हैं। जो आज ठीक न्यूज होगी जिसमें सत्यता होगी वो हम अपने चैनल के जरिए जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।